इस तरह से व्हाट्सएप स्टेटस बनाने के लिए आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जितने भी ग्रीन इफेक्ट्स है उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से सारे डाउनलोड कर लेना, इमेज वगैरह सब कुछ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले काइन मास्टर आपको ओपन करना है। यहाँ पर आपको रेगुलेशन सेलेक्ट करना होगा, तो मैं 16:9 सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारी आती है बैकग्राउंड। सबसे पहले हम बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेना है। चलिए बैकग्राउंड ये सेलेक्ट कर लिया है। अब जो इसकी पहले लेंथ बढ़ा लेंगे, उसके बाद वापस सेंड करना है। उसके बाद लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर वाला 2021 वाला PNG आपको डाल देना सबसे पहले। तो चलिए हैप्पी न्यू ईयर, तो उसको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको आप एडजस्ट कर लीजिए, मैं एडजस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद इसकी लेंथ वापस कर दीजिए बड़ी, और इसको आप डन कर दीजिए। फिर से इस पर क्लिक करना है, टेरोट पर क्लिक करना है। इसकी एक डुप्लीकेट बनानी पड़ेगी, इसकी एक डुप्लीकेट बन चुकी। अब इसकी रोटेट कर लेना, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और इसको डन कर देना है। फिर इसको अच्छे से नीचे हेयर एडजस्ट कर लेना है। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से कुछ इस तरह से कर देना है। अब यहाँ पे नीचे क्लिक कर, यहाँ पे अल्फा का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसको डाउन करके एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है हैप्पी न्यू ईयर। डन कर देना है। इसको भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। इसका फॉर्मेट जो है हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, आप चाहे तो जो भी रख सकते हैं। इसको यहाँ पे जो है हमारा डन हो चुका है, अब वापस से डन कर देंगे। इसकी लेंथ भी बढ़ा देंगे हम। नेक्स्ट आती है लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना है और वो ग्रीन स्क्रीन वाला इफेक्ट जो है आपको लगाना पड़ेगा। सबसे पहले इस पर क्लिक कर लेना, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद वापस इस पर क्लिक करना है, ब्लीडिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आती है वापस लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, मॉडल का इमेज ले लेना है। मॉडल का इमेज आप किस तरह से ले सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से। तो आप जो बैकग्राउंड रिमूव करना अगर नहीं आता, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक स्टेटस वाली वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैंने बता रखा है कि बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं ईजिली। इसको जो है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं आपको एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। इसकी भी लेंथ हम बढ़ा लेंगे, वापस इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे डुप्लीकेट एक बना ले रहे हैं, इसको वापस से रोटेट कर लेंगे हम। इसकी भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको हम सेट कर लेंगे। वापस यहाँ पे अल्फा पे क्लिक करना है और इसको भी थोड़ी सी कम कर देना। नेक्स्ट आती है मीडिया पे क्लिक करना है, लेयर पे क्लिक करना है, बॉर्डर देना है। बॉर्डर जो है मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले आपको एक ब्लैक स्क्रीन डालनी पड़ेगी, तो मैं जो है ब्लैक स्क्रीन जो डाउनलोड कर रखा हूँ, मैं सारे का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में, वापस से फुल स्क्रीन कर लेना है। इस पर क्लिक करना है, ब्लेडिंग पे वो स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद पर लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। बॉर्डर जो है यहाँ पे ये रहा, इसको आप फुल स्क्रीन कर लीजिए और इसको भी आप बड़ा कर लीजिए। इसके जो मैं साउंड जो है ज़ीरो कर देता हूँ, अब आप देख सकते हैं। अब इसमें दोस्तों आप जो है गाना लगा सकते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप गाना कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो लगाऊंगा नो कॉपीराइट साउंड होना चाहिए, नहीं तो क्लेम आ जाएगा यूट्यूब पे। चलिए देखिए यहाँ पर एडजस्ट कर लिए, आप साउंड जो है इसका कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ स्टेटस हमारा कैसा बना है। We'll be right back.
दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आए होगी, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ये जितने सारे ग्रीन इफेक्ट्स हैं मैं इसका सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।